हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 19 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स एबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की हमारे कुछ क्वेश्चंस, पे चलते हैं हमारी आज की डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा आया है वह है सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को लेके। तो आपको सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया है, वो करेक्ट स्टेटमेंट की बात यहाँ पे की गई है। तो यह ध्यान रखना है मैं एग्जाम में कि पूछा क्या जाता है, क्योंकि देखो बहुत बार ऐसे होते हैं कि यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछती रहती है और फिर वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई पूछा क्या है। कई बार हम इनकरेक्ट पूछते हैं और हम करेक्ट को टिक मार करके आ जाते हैं, तो वहाँ पर हमें ऐसी गलती है वो नहीं करनी है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये कह रहा है कि यह मध्य प्रदेश की वो स्कीम है, मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह कृष्णा रिवर का जो पानी है उसको चैनल वाइज इरिगेशन के लिए डाइवर्ट है वो करेगा। अब एक बार सोचिए आप, तो दोनों स्टेटमेंट को ढंग से देखिए कि अगर कृष्णा रिवर है तो मध्य प्रदेश में क्या कर रही है भाई कृष्णा रिवर? तो कृष्णा रिवर तो साउथ में एमएलई, तो मतलब दोनों में से एक स्टेटमेंट ही सही हो सकता है या फिर दोनों के दोनों ही गलत है वो हो सकते हैं। तो ये तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया। थोड़ा और देखते हैं। देखो सीताराम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है वो तेलंगाना का प्रोजेक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि तेलंगाना गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और तेलंगाना में रिवर कौन से मैली जिसके ऊपर आपको पता मैं विवाद भी रहता है, वो है गोदावरी रिवर। ये गोदावरी रिवर का जो बेसिन है उसके ऊपर सीताराम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है वो बनाए जाने की बात है। तो ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, मतलब हमें करेक्ट की बात की तो दोनों के दोनों ही यहाँ पे गलत हैं, वो सभी सही नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है वुमेनिया इनिशिएटिव को लेके। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वुमेनिया इनिशिएटिव है वो किसके लिए है? पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है टू प्रमोट वुमेन हैंडलूम सेक्टर, दूसरा दिया गया है टू इनेबल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तीसरा ऑप्शन दिया गया है टू एम एट प्रमोटिंग अवेयरनेस फॉर मेस्ट्रुअल हाइजीन, और चौथा ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है टू एम एट मेकिंग विलेज ओपन डिफेक्शन फ्री। तो देखो मैं आपको बता दूँ, तीसरा और चौथा तो यहाँ पे साफ साफ गलत है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले और दूसरे में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, वुमेन इनिशिएटिव है वो किसके लिए है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी तरह के क्वेश्चन जब वो पूछ लेती है अक्सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंसिडर अबाउट जे एल एल एस सिटी मोमेंटम इंडेक्स, मतलब जे एल एल एस जो सिटी मोमेंटम इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी या किसके सॉरी इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट मेजर्स मोमेंटम फॉर 131 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमर्शियल एक्टिव सिटीज़, मतलब ये वर्ल्ड की जो मोस्ट कॉमर्शियल जो एक्टिव सिटी हैं जहाँ पे कॉमर्शियल ट्रेड वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कॉमर्शियल रूप से काम करती हैं, उनका ये इंडेक्स है 131 सिटीज़ का। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सिलिकॉन वैली है वो वर्ल्ड की मोस्ट डायनेमिक सिटी के तौर पर उभर के आई है इस इंडेक्स के तहत। तो देखो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है काफ़ी डीपली, बट नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन है वो नहीं पूछ जाते हैं, क्योंकि देखो इसमें 131 कंट्री है, हो सकता है 132 भी हो, तो इसके काफ़ी मतलब काफ़ी ऐसे डाटा के तौर पर यूपीएससी ने पूछा है, तो थोड़ा हमें इस तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंसिडर अबाउट प्रोजेक्ट उदेक, आपको प्रोजेक्ट उदेक के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट यह है कि है जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल हाईवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का है, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू बॉर्डर रोड टास्क फोर्स अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात है वो की गई है। तो देखो करेक्ट स्टेटमेंट की हम बात करें यहाँ पे, जो उदेक प्रोजेक्ट है उसको एक्चुअली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट है वो किया गया है, ना कि नेशनल हाईवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट नहीं है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अभी ये न्यूज़ में भी था, न्यूज़ में क्या थी वो भी हम देख लेते हैं। देखो एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है वो न्यूज़ में इसलिए आया था कि जून 2090 की बात है, मैं लिए अभी नहीं खरीदिए, तो उस टाइम पे आसाम में एक जगह है वहाँ पे इसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट है, वो क्या जगह का नाम है डोमडोमा, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे एक्चुअली एरिया डेवलपमेंट के लिए, आप हम बोल सकते हैं कि रोड डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट है वो किया गया था, अभी न्यूज़ में आया था, तो यूपीएससी तरीके से पूछ लेती है इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंसिडर अबाउट वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर। पहला स्टेटमेंट ये कहा गया है कि रियो डे जेनेरियो, क्या ध्यान रहे कि रियो डे जेनेरियो है क्या, विल बी द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट इज़ लॉन्च टुगेदर बाय यूनेस्को एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्चर। तो देखो हम यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करने के लिए कहा है, और दोनों के दोनों स्टेटमेंट से ही आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको बस याद रखनी है। वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर है वो अभी रियो डे जेनेरियो, जिसके बारे में देखो आपको पता है यहाँ पे अर्थ समिट हुआ था। ये बताइए कि ये रियो डे जेनेरियो है कहाँ पे? साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका कौन सी कंट्री में, ये आपको बताना है। रियो डे जेनेरियो है कहाँ पे?
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट द कैजुअल फैक्टर ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग इन हिंदू कुश हिमालयन ग्लेशियर्स। मतलब हिंदू कुश का जो हिमालयन ग्लेशियर है वो उसमें से कौन सा, इनमें से जो रीजन आपको दिया गया इनमें से कौन सा रीजन सही नहीं है जो कि ग्लेशियर मेल्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हमें गलत यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। पहला दिया गया एयर पोल्यूशन, तो देखो हम जानते हैं कि भाई एयर पोल्यूशन तो साफ साफ इफेक्ट है वो करता है। दूसरा दे रहा है डिफोरेस्टेशन, तो ऑब्वियसली डिफोरेस्टेशन से भी इफेक्टिव होगा। तीसरा दिया गया ग्लोबल वार्मिंग, ये तो डायरेक्टली इफेक्ट है तो ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। चौथा दिया गया लैंड यूज चेंजेस। देखो लैंड का अगर यूज ज़्यादा, लैंड यूज चेंज का मतलब ऐसे आप ले सकते हो कि जैसे कोई एरिया में फॉरेस्ट है बहुत सारे, पहले तो यहाँ पे खूब सारे पेड़ पौधे हैं पर बाद में इन पेड़ पौधों को काट के कोई फैक्ट्री लगा दी, तो लैंड का यूज वो चेंज हो गया ना, तो इससे ऑब्वियसली पॉल्यूशन बढ़ेगा तो नुकसान होगा ही होगा। मतलब चौथा भी गलत है। बचा कौन सा, पाँचवा, इंक्रीज इन स्नोफॉल। देखो स्नोफॉल के बढ़ने घटने से ग्लेशियर के मेल्ट होने का कोई लिंक नहीं है, ये तो बेतुक की बात है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, ओनली फ्यूअप है वो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है ब्लैक बक को लेके। अभी देखो इस बार न्यूज़ में भी था, आपको पता है कि लास्ट ईयर सलमान खान को इसको लेके सजा भी हुई थी, तो उस दौरान ने काफ़ी सुर्खियों में भी रहा था, तो यूपीएससी इसके बारे में भी पूछ सकती है। ब्लैक बक यानी कि काला हिरण। देखो ये एक हिरण की एक प्रजाति है मेनली, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसकी यहाँ पे फोटो आप देख रहे हो जिसका सलमान खान ने मेनली शिकार है वो किया था, और इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे, मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है एशिया में कहाँ कहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये IUCN की लिस्ट और इंडिया की जो यहाँ पे हम आपको बताए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके कौन से शेड्यूल में इसको प्रोटेक्ट है वो किया गया, ये सब हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम बात करें ये मेनली भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है, मतलब साउथ एशिया के रीजन्स में मेनली पाई जाती है। साउथ एशिया में भी हम बात करें तो भारत, पाकिस्तान और नेपाल मेनली तीन क्षेत्र में यह पाई जाती है। पहले यह बांग्लादेश में पाया जाता था बट बांग्लादेश में पूरी तरीके से लुप्त वो हो चुका है। और हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में है राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में मेनली पाया जाता है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है जो ब्लैक बग है वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राज्य पशु यानी स्टेट एनिमल भी है, तो ये फैक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ये भी है कि वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया का 1972, उसके शेड्यूल फर्स्ट में इसको प्रोटेक्शन दी गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी संख्या है वो कम हो गई है, एक तरीके से विलुप्त होने के कगार पे ही है, तो अभी ये सुर्खियों में बहुत ज़्यादा रहता है। और बात करें हम IUCN की, तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें लिस्ट कंसर्न इसमें उसको डाला गया है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और अभी कंटेक्स्ट देखो ये आया था कि काला हिरण यानी ब्लैक बग है उसका एक पंजाब में एक सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, वो है यहाँ पे फाजिलका जिले में, सेंचुरी का नाम है अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे काला हिरण या ब्लैक बग है वो पाया जाता है, तो अभी वहाँ पे इनकी संख्या बहुत तेज़ी से कम हो गई है, तो उसको लेके न्यूज़ है वो आई थी, तो हमने कंटेक्स्ट के साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो भी यहाँ पे कवर कर ली। नेक्स्ट एक वर्ड आता है, देखो कई बार हमने काफ़ी बार पढ़ा डार्क नेट, और कई बार आपने देखा होगा सरफेस वेव, डीप वेव, डार्क, तो ये देखो एक्चुअली साइंस एंड टेक या हम जनरल साइंस से भी इनको कनेक्ट है वो कर सकते हैं, करंट अफेयर वगैरह से भी। देखो हम थोड़ा इंटरनेट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, होता क्या है हम इंटरनेट पर जैसे गूगल हुआ या वगैरह के थ्रू हम चीज़ें सर्च करते हैं, जैसे हमने गूगल खोला फिर वहाँ पर सर्च किया हाउ टू क्रिएट UPSC वगैरह, हम कुछ भी सर्च है वो करते हैं, तो हमारे सामने क्या होता है काफ़ी सारे रिजल्ट शो करते हैं, हमने जो भी चीज़ सर्च की उसको लगे एप्पल सर्च किया तो वहाँ पर एप्पल के रिगार्डिंग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, काफी सारी वेबसाइट हमें शो है वो करती हैं, फिर हमें जो भी जिस भी एड्रेस पे जाना हो वहां से हम साइट को क्लिक करके मतलब उस एड्रेस पे चले जाते हैं। तो देखो ये क्या हुआ, इसको मैंने बोलते हैं सर्फिंग, मतलब हम ब्राउजिंग सर्फिंग है वो कर रहे हैं। अब देखो जो इंटरनेट है ना इसका कुछ हिस्सा ही क्या होता है जो सर्च इंजन, देखो सर्च इंजन का मतलब होता है कि जिसके थ्रू हम सर्च कर रहे हैं, जैसे कि याहू है, याहू के अंदर हम जाके याहू की साइट ओपन करते हैं फिर वहाँ कुछ सर्च करते हैं कि एप्पल वगैरह कुछ, तो वो सर्च इंजन कहलाया याहू। इसके साथ ही बिंग हुआ, इसके साथ ही गूगल है, वो भी एक सर्च इंजन ही है। मतलब गूगल क्या करता है, हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट देता है लाके कि हाँ भाई ये इसके रिजल्ट हैं, इतने सारे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, अब आपको जो साइट खोलनी है जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। अब देखो इंटरनेट में क्या होता है, ये तो हो गया मेनली जो हमने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट इसके अलावा क्या होता है इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा भी है जो कि काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रहती है, मतलब उसको कुछ लिमिटेड लोग या हम बोलें कि उसके लिए काफ़ी ऐसी प्रोसीजर होती हैं उनके थ्रू उसको अनलॉक कर सकते हैं। देखो हम बात करें जो इंटरनेट की हम सर्फिंग करते हैं, वेबसाइट्स देखते हैं, उनको वो लगभग 4% ही ऐसी वेबसाइट हैं पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो जो कि हम डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा 96% इंटरनेट पर ऐसा मटेरियल होता है जो कि हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें या तो लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए होता है या फिर हमें डार्क वेब की हेल्प है वो लेनी होती है।
तो यह ध्यान रखना कि मैक्सिमम हिस्सा है वो डार्क नेट का, मतलब एक तरीके का क्या होता है इसमें, इंटरनेट के जो पीछे का हिडन नेटवर्क होता है जो कि मेनली हमें नहीं दिखाई देता, वो होता है डार्क नेट। अब देखो, जो हम ब्राउजिंग के आधार पर बात करें तो तीन तरह की सर्फिंग होगी। एक तो होगी यहाँ पे सरफेस वेब। सरफेस उसका मतलब क्या हुआ, हमने गूगल खोला या याहू खोला, उस पर जो चीज़ सर्च की, मतलब जो हमने डायरेक्टली सर्च की और हमें सब चीज़ मिल गई। इसके अलावा आता है डीप वेब। डीप वेब का मतलब क्या होता है कि उसके लिए हमें लॉगिन वगैरह की इन्फॉर्मेशन जरूरत होती है। जिस तरीके से देखो, कोई भी जैसे हमें हमारी जीमेल वगैरह इसको ओपन करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, जीमेल की आईडी चाहिए होती है, उसके पासवर्ड चाहिए होते हैं। फेसबुक ओपन करें तो वो क्या हो गया, वो डीप वेब हो गई, मतलब वहाँ पर हमें लॉगिन करना पड़ रहा है। जो जो भी उस साइट का ऑनर है वो अगर हमें परमिशन देता है तभी हम उसके डाटा को एक्सेस है वो कर सकते हैं, तो ये आ जाता है डीप वेब में। और बात करें यहाँ पर डार्क वेब में, डार्क वेब में वो मटेरियल होता है जो कि नॉर्मल जो सर्च इंजन होते हैं जैसे याहू हुआ, बिंग वगैरह हुआ, ये एक्चुअली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इनसे भी पीछे वो छुपा हुआ रह जाता है। तो उसको एक्चुअली टोर ब्राउजर होता है, जिस तरीके से गूगल ब्राउजर होता है उसी तरीके से एक ब्राउजर है जिसका नाम है टोर। तो ये मे बी यूपीएससी पूछ ले, बट खैर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप ध्यान रख लेना कि टोर ब्राउजर की हेल्प से डार्क वेब है उसके डाटा को एक्सेस है वो किया जाता है। तो एक कुछ वर्ड्स थे जिनको हमने यहाँ पे कवर है वो किया है। और ये ध्यान रखना, मैक्सिमम जो इंटरनेट का मटेरियल है वो डार्क वेब पे पड़ा है। इस पर जो इलीगल स्मगलिंग वगैरह होती है, ह्यूमन ऑर्गन की जो एक तरीके से उनको खरीदना बेचना हो, काफ़ी सारे ऐसे कंटेंट है वो इलीगल काम हो उसी साइटों पर किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, एक्चुअली ज्योग्राफी का एक पॉइंट था तो कल एक्चुअली मेरे को मिला तो मैंने इसको आज यहाँ पे इंक्लूड है वो कर लिया है। इसमें देखो, यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेती है सीक्वेंस वगैरह में, तो ये ध्यान रखना आपको। देखो, जो कोर होती आपको सॉरी जो हमारी क्रस्ट होती है, इसको भी क्रस्ट के नीचे आपको बताया मेंटल होती है और मेंटल के नीचे कोर होती है। और जैसा नॉर्मली हमने क्या देखा है कि कोर को दो भागों में बांटते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। अब देखो, इनर कोर और जो आउटर कोर है इसका हमें पता है कि इनर कोर तो क्या होती है सॉलिड स्टेट में, और जो आउटर कोर होती है वो होती है लिक्विड फॉर्म में। इसके बाद में ऊपर होती है मेटल, और इसके ऊपर बाद में आपको पता है कि ऊपर देती है क्रस्ट। अब देखो, अपने डिसकंटिन्यूटीज मतलब असंभवता ही है उसके बारे में यूपीएससी की बार सीक्वेंस पूछ लेती है कि इनको क्रस्ट से लेकर नीचे की मतलब नॉर्थ से साउथ या ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज कीजिए वगैरह, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। देखो, अगर हम जो क्रस्ट की बात करते हैं ऊपर से चलते हैं, ये होगी हमारी अर्थ की क्रस्ट। तो क्रस्ट को अगर हम दो बाटों भागों में बांटें तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगी क्रस्ट और एक हो जाएगी नीचे वाली इनर क्रस्ट, या हम बोल सकते हैं कि भारी क्रस्ट हो जाएगी, या जिसे हम बोल सकते हैं अपर क्रस्ट हो जाएगी, तो ऊपर वाली और नीचे वाली हो जाएगी लोअर क्रस्ट। तो क्रस्ट दोनों क्रस्टों का जो बीच वाला एरिया होगा ना, उसको तो मेनली बोलते हैं यहाँ पर ध्यान रखना है कोन रोड डिस्कन्यूटी। ये आपको ध्यान में रखना है, कोन रोड डिस्कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, क्रस्ट अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की जो डिस्कंटिन्यूटीज है उसको बोलते हैं कोन रोड डिस्कंटिन्यूटी। इसके बाद में आता है कोर और मेंटल के बीच में। कोर और मेंटल के बीच में जैसे हमने काफ़ी बार पढ़ाई है कि कोर और मेंटल के बीच में तो मोह डिस्कंटिन्यूटीज आती है, तो ये होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे एक और आता है, वो होता है रेपिटी। रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी है वो होती है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, मतलब मेंटल को भी दो भागों में अगर हम बांट दें, ये होगी यहाँ पे हमारी एक तरीके से हम बात करें ये मेंटल है तो ये होगी हमारी अपर मेंटल, ये होगी लोअर मेंटल। तो ये जो बीच वाला हिस्सा हो गया ना, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आउटर कोर आ गई और यहाँ पे ऊपर क्या आ गई हमारी मेंटल, तो आउटर कोर और मेंटल के बीच में क्या हो जाएगी, गुटेनबर्ग हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि गुटेनबर्ग है। और इसके बाद में इनर कोर और आउटर कोर के बीच में जो है डिस्कंटिन्यूटी है उसका नाम है लेहमन। तो यूपीएससी इनकी सीक्वेंस पूछ सकते हैं, ध्यान रखना है पहले पहले आएगी ऊपर से आ जाएगी कॉनरोड, उसके बाद में मोहर डिस्कंटिन्यूटी, इसके बाद में रेप्टी, इसके बाद में गुटेनबर्ग और लास्ट में आ जाएगी लेहमन। लेहमन किस इसके बीच में है, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। तो ये बेसिकली ज्योग्राफी का फैक्ट था, तो उसको हमने यहाँ पे कवर है वो किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है केरेच स्टेट को लेके। केरेच स्टेट है कहाँ पे, हम इसके बारे में लोकेशन देखते हैं। देखो, पहले ये देखो आपको दिख रहा है सी ऑफ एजोव। अब सी ऑफ एजोव की लोकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ एजोव है ना, इसके आप देख सकते हो कि नॉर्थ वाला हिस्सा, वेस्ट वाला हिस्सा और साउथ वाले हिस्से में तो क्या है, नॉर्थ वाले हिस्से में और वेस्ट वाले सॉरी वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट वाले हिस्से में था यूक्रेन, और यहाँ पे फिर आता है क्रीमिया। और आपको पता है क्रीमिया किसका पार्ट है, क्रीमिया तो रशिया का ही पार्ट है रिसेंटली, और इधर जाता है रशिया। तो एक तो इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है, सी ऑफ अजोव काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। इसमें देखो काफ़ी सारे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, तो पोर्ट का तो मैं भी यूपीएससी नाम पूछे ना पूछे, एक पोर्ट तो यहाँ पे ही है, वो है मारियोपुल पोर्ट। तो शायद इतना इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पे नीचे आता है ब्लैक सी। अब देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये था कि ब्लैक सी और जो सी ऑफ अजोव है ना, इसको जो जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है ना, इसका नाम है क्रेच स्ट्रेट। तो ये ध्यान में रखना है कि जो क्रेच स्ट्रेट है वो है सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाता है, और इसी को लेके भी न्यूज़ है वो आई है। तो लोकेशन हमने इसकी डिस्कस कर ली कि ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को है एक्चुअली मतलब लिंक है, वो कनेक्ट है, वो करती है। और इसके एक हिस्से में हमने देखा कि यूक्रेन का मेनली हिस्सा भी आता है, इसके साथ ही यहाँ पे रशिया का भी काफ़ी सारा हिस्सा है।
अब देखो सी ऑफ अजोक के बारे में कुछ फैक्ट हैं, यूपीएससी ने कई बार इस तरह के क्वेश्चन हैं वो पूछे हैं, जैसे केस्पेंसी वगैरह के बारे में भी। तो सी ऑफ अजोव है ना वो ईस्टर्न यूरोप में है, ये तो हमें लोकेशन से पता चल गया कि भाई सी ऑफ अजोव यहाँ पे देख सकते हो ये यूरोप का हिस्सा है और इसमें ईस्टर्न वाले हिस्से में सी ऑफ अजोव है, क्योंकि इसके बाद में इधर तो आपको पता है रशिया की जैसे ये हम बात करें तो यहाँ पे धीरे धीरे इस साइड मतलब एशिया वाला हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। और ये जो इसकी स्ट्रेट है, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग यहाँ पे दी गई 4 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर लंबा सा एक स्ट्रेच है जो कि ब्लैक सी को और सी ऑफ अजोव को कनेक्ट है, वो यहाँ पे कर रहा है स्ट्रेट के थ्रू, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब देखो ये ध्यान रखना है कि सी ऑफ अजोव है ना इसके नॉर्थ और वेस्ट वाले हिस्से में तो यूक्रेन की बाउंड्री है और ईस्ट और वाला हिस्सा जो रह गया उसमें रशिया की बाउंड्री है, वो जो भी हमने यहाँ पे देखा। रिवर इंपॉर्टेंट है इसकी, वो ध्यान रखना है, सी ऑफ अजोव में दो रिवर गिरती हैं, एक तो गिरती है डॉन रिवर और एक गिरती है कुबेन रिवर, तो ये आपको ध्यान रखना है डॉन और कुबेन रिवर है वो मेजर रिवर हैं जो कि सी ऑफ अजोव में गिरती हैं। इसके साथ सी ऑफ अजोव है ना इसका तल काफ़ी उथला हुआ है, मतलब गहराई बहुत कम है इसकी, कई जगह तो इसकी गहराई है वो 0.9 मीटर ही है और कई जगह इसकी मैक्सिमम गहराई हुआ है 14 मीटर, मतलब गहराई बहुत कम है, डेप्थ है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि थोड़ा उथला हुआ तल है इसका। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट थे जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कंटेक्स्ट ये आया था कि अभी आपको पता है कि इंडिया के जो पर्सन थे जिनका नाम था कुलभूषण जाधव, उनको लेके अभी मामला वो आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था पाकिस्तान की हेल्प से, तो वो न्यूज़ में आया था। तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। पहला फैक्ट तो क्या है, यूएन का एक बॉडी है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो यूएन के जो जुडिशियल प्रिंसिपल हैं उनके आधार पर काम करता है, यूएन के द्वारा लिंक्ड है। इसको 1946 में बनाया गया था, इससे पहले था वो आपको ध्यान में रखना है 1946 में इसका नाम, वो मतलब इससे पहले एक दूसरी बॉडी थी इसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। और इसके दो काम है, एक काम तो इसका है कि एडवाइस देना, मतलब कोई भी कंट्री हो जो इसके मेंबर कंट्री है ऑथोराइज्ड है तो उसके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस है वो देना हो, इसके साथ ही कोई भी डिस्प्यूट है उसका सेटलमेंट करना हो दो कंट्रीज़ के बीच में अगर वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करती है। तो अभी जो कुलभूषण जाधव थे इनका केस यहाँ पर गया था और उसी को लेकर न्यूज़ है वो आई है, तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का मतलब है यहाँ पे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। देखो यहाँ पे दो तीन इंडायरेक्टली फैक्ट हैं वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 48A है वो क्या कहता है, आर्टिकल 48A ये कहता है कि पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, मतलब वो काम हमें करना है। और आर्टिकल 51A का जो जी पार्ट है वो हमें ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो जो पर्यावरण हुआ या फिर जो प्राकृतिक नेचर हुआ है इसको कंजर्व करे और इसके प्रति जो प्राणी वगैरह हैं उनके प्रति दया का भाव है वो रखे, मतलब इनको कंजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। और इसके साथ ही आर्टिकल 253 क्या कहता है, आर्टिकल 253 ये कहता है कि अगर कोई भी इंडिया इंटरनेशनल समझौता एग्रीमेंट करता है किसी भी कंट्री के साथ या कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो मतलब कानून वगैरह बना सकती है, ये है आर्टिकल 253 है। अब देखो बात ऐसी है, 1972 में आपको पता है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी और उसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट है वो किया था, उस दौरान काफ़ी सारे बातें की गई थी एनवायरनमेंट के लिए और उसी के तहत इंडिया ने क्या किया था उसके बाद में कि भाई इंडिया ने भी डिसीजन लिया कि भाई जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है, एयर जो पोल्यूशन हो रहा है इसके लिए इंडिया एक्ट बनेगा और उसी के रिगार्डिंग इंडिया ने फिर आर्टिकल 253 का यूज़ करते हुए ही एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 है इसका निर्माण है वो किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद या आर्टिकल 253 क्या है, आर्टिकल 51AG के हैं और आर्टिकल 48A के हैं। देखो यूपीएससी कई बार इनडायरेक्टली इस चीज़ का यूज है वो पूछ लेती है और मेनली ज़्यादातर इनका जो यूज है वो मेंस की आंसर राइटिंग में ज़्यादा यूज है वो होता है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।